निकॉम, वेलकम टू एडीएम स्किल्स। आज हम थंबनेल बनाना सीखेंगे कि हम एक थंबनेल किस तरीके से, अपनी वीडियो का थंबनेल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कैनवा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आप वो डाउनलोड कर लें नेट से और उसको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लें। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। तो आप यहाँ से कोई भी सर्च कर लें, कहीं यूट्यूब थंबनेल जैसे सपोज। तो ये देखें, मैंने यूट्यूब सर्च किया तो उसने मुझे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दे दिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके पास भी आ जाएंगे। तो इसमें से कोई भी फ्री वाला आपने ले लें, इसमें पेड वाले भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फ्री वाले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यूट्यूब थंबनेल। तो ये हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन ये दिखा रहा है, इसमें से हम ये सारे फ्री वाले हैं। तो हम कोई भी फ्री वाला इसमें से, जैसे सपोज मैंने ये पिक कर लिया। ये देखें, ये हमारे पास ओपन हो गया। तो अभी हम इसको, इसी को एडिट करके हम अपना यूट्यूब थंबनेल बना सकते हैं। तो जैसे ये आपके पास आ रहा है, आपने इसे डिलीट किया, यहाँ पे आप अपना लोगो एक्स वाई जी कोई भी लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये अपना लोगो पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से ये आपको शो हो रहा है, आपने ये डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने लिख दिया वीडियो एडिटिंग, यहाँ पे आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं या कोई भी आप किसी भी किस्म की तस्वीर लगा सकते हैं। या अगर आपको तस्वीर सर्च करनी है तो यहाँ पे आप ये देखें, ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये अगर आपने एलिमेंट्स को ऐड करने हैं तो ये देखें, ये आप ये वाला एलिमेंट, जो सपोज एग्जांपल के तौर पे हम ये एलिमेंट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, www.admskills.com। यहाँ पे हम लिख देते हैं वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको डिलीट करके दिखा रहा हूँ। इसे आप सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज इसको आपने एडजस्ट किया, इसको आप साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपके पास ये लोगो आ रहा है, आप इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन ट्रेनिंग रहने दें, या आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग रहने दिया। ये इस तरीके से ये डब आ रहा है आपके पास। तो इसको अगर आप वापस डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी तस्वीर इसके बैकग्राउंड में डालना चाहते हैं तो ये आप इसकी तस्वीर यहाँ पे लेकर आए, आपने इस तस्वीर को बड़ा कर दिया और यहाँ से आप इसकी अपीयरेंस ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ये देखें, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। तो अभी आपका लोगो भी शो हो रहा है और आपकी जो आपने टेक्स्ट लिखा वो भी शो हो रहा है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे डाउनलोड पे गए और आपने इसे डाउनलोड कर लिया। ये देखें, हमारा डाउनलोड हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यहाँ से हम अपने इसे एड्रेस बता देंगे कि हमने कौन सी और किस नाम से वीडियो सेव की है, और सॉरी तस्वीर सेव की है। ये हमारी सेफ होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।